बाकी सभी सीटों के लिए भी मैं यही कहकर के यहाँ से जा रहा हूँ, ये चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से अगर यहाँ आप सब जैसा कि परिणाम दिखाई दे रहा है, दो चरण के चुनाव जब हुए थे साइकिल उड़ करके सैफे ही चली गई थी, और कल तीसरा चरण जब करहल से साइकिल उड़ी तो बंगाल की खाड़ी पहुंच रही। सफाया हो रहा है और सफाया हम नहीं कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कोई चाहेगा क्या कि फिर से गुंडागर्दी यूपी में वापस आ जाए? चाहोगे क्या फिर से कोई आपके जमीन दुकान मकान पर कब्जा करने लगे? फिर से अपराधियों की आंख के साथ जो अगर गुंडे कोई दिखाई दे तो आपको डर करके छिप करके जाना पड़े? फिर से चाहते हो क्या तहसील ब्लॉक थाने गुंडे और अपराधी और माफिया चलाए? चाहते हो क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। मैं पूरे प्रदेश में कह करके आ रहा हूँ, जो अहंकार के रथ पर सवार श्री अखिलेश यादव जी है वो कह रहे हैं कि हम यूपी में 400 सीटें जीतेंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? अच्छा बताओ, उन्नाव की किसी सीट पे समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है क्या? जोर से बताओ, खुल रहा है क्या? जैसे उन्नाव में नहीं खुल रहा है वैसे प्रदेश में नहीं खुल रहा है, और वैसे ही करहल में भी नहीं खुल रहा है। चारों तरफ कमल की बयार है, एक कमल का फूल नहीं ये खुशहाली है गरीबों की, ये कमल का फूल नहीं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा का कवच है, ये कमल का फूल नहीं भूखे गरीबों को फ्री में राशन, साथ में तेल दाल नमक चना साथ में उपलब्ध कराने की गारंटी है। ये कमल का फूल नहीं जब 2 घंटे बिजली आती थी, अब 18 से 24 घंटे बिजली देने वाला ये कमल का फूल है। सरकार में गड्ढा युक्त सड़के और भाजपा की सरकार में गड्ढे से मुक्त हाईवे की तरह गांव की ओर जाने वाली भी सड़के, अभी तो पहली पारी है, अभी तो हमने 2017 से 2022 का एक कार्यकाल शुरू हुआ है, और सपा बसपा सपा उनका बुआ भतीजे का 3 कार्यकाल, उनका 15 साल याद कर लीजिए और भाजपा का 5 साल याद कर लीजिए योगी जी के नेतृत्व में। बताइए 5 साल और 15 साल की तुलना की जाए तो उनका 15 साल का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? उनके 15 साल में दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या दिखाई दे रहा है। सपा की सरकार होगी तो गुंडे दिखाई देंगे, अपराधी दिखाई देंगे, माफिया दिखाई देंगे, दंगाई दिखाई देंगे। बसपा की सरकार होगी तो उस समय वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने का काम होगा। कांग्रेस की सरकार होगी, सबके अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे श्री अखिलेश यादव जी इत्र डाल करके करोड़ों की गड्डियां निकाल लेते हैं, निकालते हैं कि नहीं? अभी निकला है। और राहुल गांधी जी कहते हैं एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकल आएगा, सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है देश के गरीबों की सेवा अगर ईमानदारी से करोगे तो कमल का फूल खिला है और सदा खिला है। माताओं बहनों लगाओगी वैक्सीन इनको, श्री अखिलेश यादव जी को? कमल के फूल की बटन दबाओ। एक कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब एक गरीब के जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा, और एक साइकिल की बटन दबाने का मतलब 5 साल में जिन गुंडों को हमने बहुत ठीक किया, हमारे पुलिस के जवानों ने बहुत ठीक किया है, और इसके कारण श्री अखिलेश यादव जी तिलमिलाए हुए, बौखलाए हुए, अस्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे, उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। इसलिए ऐसी वैक्सीन लगाइए कि ये समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाए। और उत्तर प्रदेश के मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे, मैंने कहा कमल के फूल की बटन दबाओ तो एक नहीं अनेक गरीब के घर में खुशहाली आएगी। अगर साइकिल की गलती से एक बटन दब गई, एक बटन की बात मैं कर रहा हूं, एक बटन दबाने का मतलब 1000 गुंडे जिनको 5 साल में बहुत ठोक ठोक करके सीधे रास्ते पर लाना पड़ा, लाना पड़ा कि लाना पड़ा, उनको टेढ़े रास्ते में जाने में कितनी देर लगेगी? हमें गुंडों को फिर गुंडाई के लिए छोड़ना है क्या? तो साइकिल की बटन दबाना नहीं है, क्योंकि उनको ठीक करने के लिए फिर 5 साल थोड़ा लगाना है। 5 साल में उनको सुधारने का काम किया है, और आगे आने में सपा का इस समय का नारा जानता हूं, 2017 में मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। हारने जा रहे कि बताइए, मैं मान के जाऊंगा यहाँ पे 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का आप काम करोगे? इसलिए मैं आप सबको आज यहाँ पर
दिल करके जा रहा हूं, पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूं, पूरे यूपी के अंदर 100 में 60 हमारा का नारा है। 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है।